आज मैं चना दाल पकोड़ा बनाने जा रही हूँ, जिसे बड़ा भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं चना दाल अच्छे से भिंगो करके रख दी थी, ये अच्छे से फूल चुकी है। तो 4 घंटे के लिए इसे भिंगो करके रख देना है और तोड़ करके हम देख लेंगे। ये आसानी से टूट रही है, तो इतना भिंगा हुआ चना चाहिए हमें चना दाल। अब यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें दाल डाल देना है। 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस लेना है। बस थोड़ी सी इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। दाल पीस करके ले ली हूँ, तो ऐसे हमें दरदरा सा दाल पीस करके ले लेना है। बिल्कुल मैदा की तरह नहीं पीसना है, दरदरा सा पीस करके ले लेना है। तो ऐसे ही मैं सारी दाल पीस लूँगी पहले। और 2 चम्मच साबुत चना दाल रख लेना है, 2 चम्मच रख करके, और बाकी सारी दाल पीस करके ले लेना है हमें। दाल मैं पीस करके ले ली हूँ और साबुत दाल जो 2 चम्मच रखी थी वो भी इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देना है। तो मुट्ठी भर के मैं प्याज डाल दी हूँ। अब अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली हूँ मैं, तो हरी मिर्च डाल दी हूँ। तो तीखा आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एक चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे इसमें हम। 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर तीखा आप लोग कम खाते होंगे तो कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। 1/2 चम्मच हम साबुत जीरा डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। 10-12 कड़ी पत्ता मैं तोड़ करके ले ली हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक काट करके। तो कड़ी पत्ता डाल देंगे, तो इसलिए मैं आज धनिया पत्ता नहीं डालूंगी। आप लोग चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मैं कड़ी पत्ता और कस्तूरी मेथी डाल करके आज ये बड़ा बना रही हूँ, दाल की पकौड़ा। अब सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैं दाल मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो मैं 1 चम्मच नमक ले ली हूँ, तो नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो जब आप लोगों को बड़ा बनाना हो, पकोड़ा बनाना हो, जब इसमें नमक डाल करके मिक्स कर लेना है। तो मिक्स कर ली हूँ। अब मैं छोटी सी यहाँ पे एक कटोरा ले ली हूँ, इस कटोरा के ऊपर हाँ कॉटन का कपड़ा या कॉटन का रुमाल डाल देंगे भिंगो करके, और नीचे से इसे टाइट कर देना है। टाइट करके ऐसे हम ले लेंगे। अब जो दाल मिक्स करके रखी हूँ, तो ये दाल इस पर चम्मच से डाल देना है। अब इसे हम हाथ से बना लेंगे, चारों तरफ से गोल कर देंगे इकट्ठा करके, और हल्का हल्का दबा देना है। तो छोटे बड़े आप लोगों को जितनी बड़ी बनाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी मैं बना ली हूँ। अब इसे हम हाथ पर पलट लेंगे, तो देखिए ये आराम से पलट गई। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे, तो ऐसे ही बना करके तैयार कर लेना है। गैस पे कढ़ाई में मैं सरसों तेल गर्म होने के लिए रख दी थी, तो तेल गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बड़ा। फिर से कटोरे पे डाल देना है, इसे फैला देना है अच्छे से। तो ना ज़्यादा मोटे बनाएंगे हम, ना बिल्कुल पतला करेंगे, इसे मीडियम बनाना है। ऐसे फैला देना है। अब हाथ पे फिर हम पलट लेंगे और इसमें डाल देंगे।
तो एक बार में कढ़ाई में जितनी आए उतना डाल देना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच पे हमें इसे तलना है। तो सबसे पहले जो दाल डाली थी उसे हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ पलट लेना है। अगर हम गैस कम पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा ऑयली बन के तैयार होगी, और हाई कर देंगे तो ये ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे बनाना है, पकोड़ा तलना है। देखिए दोनों तरफ से ये ब्राउन हो चुकी है, लाल हो गई है, क्रिस्पी हो गई है। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें साड़ी पकौड़ा बना करके तैयार कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी ये बन के तैयार हुई है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा चना दाल की बड़ा या पकोड़ा, बहुत ही अच्छी बनती है ये, बहुत क्रिस्पी। आप शाम के टाइम में चाय के साथ बना के खा सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और एक अपना प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो ऐसे ही मैं साड़ी बड़ा बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये भी पकौड़ा बन के तैयार हो गई, दूसरी बैच भी। तो ऐसे ही मैं साड़ी बना करके तैयार कर लूँगी। देखिए मैं साड़ी पकोड़ा बना करके तैयार कर ली हूँ, चना दाल की पकोड़ा। तो बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। लोगों को मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है।